Continuing with the OPC students, under Section 3 of the Act provide that that the word one person company must be mentioned below the name of the company in bracket wherever it appears. जहां भी OPC company का नाम आएगा उसके नीचे bracket में one person company mention किया जाना सके, जिससे कि लोगों को पता लगे this is a OPC. Now who can incorporate a OPC? Any natural born citizen who is a resident of India having stayed in India for at least 182 days during immediately preceding financial year. यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन यानी 6 महीने उसका कंटिन्यूस रेसिडेंस इंडिया में होना चाहिए. ये स्पेशली है क्योंकि लोग आजकल एनआरआईज भी होते हैं, बाहर इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं. तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ये उन लोगों से हैं जो फ्रीक्वेंटली बाहर भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं. अदरवाइज ये सब पे लागू होता है, इंडियन सिटीजन्स पे, सब पे. तो अगर 182 दिन से ज्यादा है तो वो ओपीसी क्रिएट कर सकता है. तो मिनिमम 6 महीने रहना जरूरी है. हाउएवर वन ऑफ सच पर्सन कैन नॉट बी मोर देन वन ओपीसी. सो एक बंदा एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है. नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, ये कहता है कि ओपीसी कैनॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि चैरिटेबल वाली कंपनी नहीं फॉर्म करी जा सकती ओपीसी में, और कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉर्डरी कॉरपोरेट. तो ये जो एनबीएफसी का काम जो होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसका काम यानी लोन देना, ये देना, इस तरह का काम नहीं कर सकती. और इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जो लोगों से, जैसे कोटक महिंद्रा होगी, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, इस तरह का काम नहीं कर सकती है. सो अनलिमिटेड ओपीसी विद शेयर कैपिटल, ये भी एक तरीका है. ऐसी भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, कि लायबिलिटी लिमिटेड ना हो और उसका कोई एक पर्टिकुलर शेयर कैपिटल हो. द ओपीसी लिमिटेड बाय शेयर्स में, जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एन ओपीसी मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख. हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में 1 लाख का होना चाहिए उसका मिनिमम पेड अप. एंड कैनॉट मेक इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, ये एक शर्त होती है. हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं किए जा सकते हैं आउटसाइडर्स के द्वारा, तो यहां भी लागू होगा. द रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर शेयर एज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी शैल ऑल्सो अप्लाई इन ओपीसी. हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होते हैं शेयर ट्रांसफर पे. The same thing will also apply in case of OPC. कहने का मतलब है जितनी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, दे विल ऑल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ ओपीसी ऑल्सो. सो दिस कंक्लूड्स योर सेकेंड पार्ट ऑफ ओपीसी. द टॉपिक इज कंप्लीट.